ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को मनसा वाचा और कर्मणा बहुत खबरदारी रखने के लिए कहा है। मनसा वाचा और कर्मणा का हमारे पूरे जीवन पर प्रैक्टिकली हम जो करते हैं उस पर बहुत असर पड़ता है, इसीलिए बाबा ने मुरली में भी खबरदारी रखने के लिए कहा और आज अव्यक्त इशारों में भी बाबा हमें मनसा वाचा और कर्मणा के लिए कुछ सावधानी दे रहे हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिकल जीवन श्रेष्ठ बन सकती है। क्या है वो डायरेक्शन, आइए जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारों से। प्लान और प्रैक्टिकल को समान बनाने के लिए स्मृति में प्लेन, वाणी में भी प्लेन और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता हो। कोई भी पुराने संस्कार का कहां दाग ना हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तब प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता एरोप्लेन की माफिक उड़ेगी। हम बच्चे पुरुषार्थ के लिए, बाप समान बनने के लिए, सेवा के लिए भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं। बाबा मुरलियों में कहते हैं प्लान देख करके तो बाबा खुश हो जाते हैं, शक्ति भी देते हैं, लेकिन शक्ति बाबा की कौन कैच करेगा, प्लान को प्रैक्टिकल में कौन लाएगा, उसका रहस्य बाबा ने बताया। जब हम प्लान बनाते हैं तो सबसे पहली बात तो हमारा प्लान किस बुद्धि से बना रहे हैं। क्या उस समय मेरी बुद्धि श्रेष्ठ अर्थात प्लेन है? प्लेन बुद्धि बाबा किसको कहते हैं? जिसमें जो बात जैसी है वैसी ग्रहण हो, अपनी मनमत या परमत का प्रभाव उसमें ना हो। बाबा ने जो डायरेक्शन जैसे दिया वैसे ग्रहण हो, उसमें मैं अपने संकल्प विकल्प ना चलाऊं, या उसमें कहीं कोई इच्छा कि उसके अंदर बात मिक्स ना हो जाए। प्लान तो बनाया है श्रेष्ठ पुरुषार्थ का, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग मुझे जाने, इसलिए कि बाबा के समान में बनूं। प्लान बनाया है अच्छी सेवा का, लेकिन अगर उसमें ये मिक्स हो गया बुद्धि के अंदर कि इस सेवा में मेरा नाम होगा, तो फिर वो प्लेन बुद्धि नहीं है। उस प्लेन बुद्धि के अंदर बहुत सारी और रंग मिक्स हो गए हैं, तो वो प्लेन अर्थात श्रेष्ठ नहीं रही। तो बाबा मनसा में प्लेन कहते हैं जब मनसा के अंदर कोई भी स्वार्थ ना हो, बिल्कुल सीधा जैसे बाबा ने श्रीमत दी है बिल्कुल वैसे ही मेरे विचार हों। वाणी भी प्लेन अर्थात कोई भी उसके अंदर बनावटीपन ना हो, प्लेन अर्थात श्रेष्ठ अर्थात सत्य। तो जितना ज़्यादा वाणी में हमारे सत्य होगा, कोई भी दोहरी बात नहीं होगी, तो वो वाणी दिल को छुएगी। और कर्मणा में प्लेन अर्थात श्रेष्ठ अर्थात बाप समान कर्म, जिनमें बिल्कुल जो बाबा ने किया उसको मैं फॉलो करूं, उसमें अपना कुछ मिक्स ना करूं। तो बाबा हमें जब शक्ति दे रहा है हमारा प्लान सुनकर के, तो ऐसी प्लेन बुद्धि ही बाबा की उस शक्ति को ग्रहण कर सकती है। जिस बुद्धि के अंदर मिलावट है तो मन मत तो बाबा की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकती। जितना परसेंटेज में श्रीमत है उतनी परसेंटेज में ही शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए वो हूबहू प्लान प्रैक्टिकल में नहीं आ पाता। तो आज बाबा ने प्लान और प्रैक्टिकल को एक करने के लिए हमें अपनी मनसा वाचा और कर्मणा में खबरदारी रखने के लिए कहा कि ये तीनों ही चीज़ें प्लेन और श्रेष्ठ हों, तब हमें सफलता मिलेगी। जो बाबा ने कहा सहज सफलता, जैसे कि हम हमेशा उड़ते रहेंगे एरोप्लेन के माफिक। ओम शांति।